गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज नैंसी बजाज फ्रॉम टिप्स फॉर करियर इंस्टीट्यूशन। तो हमने बीएड की कंटेंपरेरी इंडियन एजुकेशन की सेकंड यूनिट में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। अभी हमने जो पॉलिसी पढ़ी थी वो 1968 थी और अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं 1986 के बारे में। अगेन ईयर बहुत ध्यान से पढ़ना कि कौन से ईयर के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो 1986 में जो चेंजेस आए थे, इंट्रोडक्शन आप सेम डाल सकते हो, बहुत सारे चेंजेस की जरूरत होती है। टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चेंजेस मांगती है ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके, हमारी जो नेशन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सके, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से डेवलपमेंट हो सके। ये चीजें कॉमन चीजें हैं, आप दोनों ही आंसर्स में डाल सकते हो। चेंजेस क्या आए थे, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या डिमांड करी थी कि शेड्यूल कास्ट को भी बढ़ाया जाना चाहिए, उनके लिए भी सेपरेट क्लासेस होने चाहिए, बेसिकली सेपरेट सीट्स अलॉटेड होनी चाहिए स्कूल्स में ताकि उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर शेड्यूल कास्ट के पीपल भी सेम, बेसिकली बच्चे भी सेम स्कूल में पढ़ेंगे तो एटलीस्ट बच्चों के अंदर तो वो भेदभाव वाली चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि बचपन से हम एक साथ पढ़ते आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो अगर आपको हमारी कोई भी प्रीवियस वीडियोस देखनी है आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।